नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप बेहतर स्वास्थ्य के साथ रहें। आज माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की सी मुस्कान से, अर्थात अपनी हल्की सी हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा गया। पहले सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, देवी ने अपने ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्यमंडल में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है, कोई भी देवी देवता इनके तेज की तुलना नहीं कर सकता। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और निश्चल मन से कुष्मांडा देवी की आराधना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा जल्दी ही प्रसन्न होने वाली हैं। भक्त को सच्चे हृदय से माँ की प्रार्थना करनी चाहिए। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ भी कदम आगे बढ़ाने से साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है और अपने लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को देवी की उपासना जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद।